हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, अ पेन फिजिशियन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड एन एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं घुटने के लिगामेंट, पर्टिकुलरली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दौड़ते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त, डांस करते वक्त आपके घुटने की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने का काम करता है। यदि इसकी इंजरी हो जाए, इस लिगामेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई चोट पहुंच जाए तो आपके घुटने में लचक आ सकती है, दर्द हो सकता है और सूजन यानी कि स्वेलिंग भी आ सकती है। यदि ये लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है तो उसे कंप्लीट टियर कहते हैं और यदि इसका कुछ भाग ही टूटता है तो उसे पार्शियल टियर कहते हैं। कंप्लीट टियर में सर्जरी के अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट का और कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यदि पार्शियल टियर है तो उसे बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। पार्शियल टियर के लिए आज हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन थेरेपी। इस ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट का करीब 20 ml ब्लड लिया जाता है और फिर मशीन्स की सहायता से उसमें से पीला भाग यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अलग किया जाता है। उसे हम पेशेंट के घुटने में इंजेक्ट करते हैं, लिगामेंट में जिसमें चोट पहुंची है उसमें इंजेक्ट करते हैं लाइव एक्सरे मशीन्स और स्पेशल नीडल्स और सिरिंजेस की सहायता से। पूरी तरह से दर्द रहित प्रोसीजर होता है और करीब 2 से 3 सिटिंग के बाद पेशेंट का जो इंजर्ड लिगामेंट होता है पूरी तरह से हील हो जाता है और 3 से 4 महीने में ही पेशेंट को अपने घुटने की लचक, दर्द और स्वेलिंग से पूरी तरह से आराम मिल जाता है और वो पहले की तरह ही अपनी एक्टिविटीज करने लग जाता है। अभी तक इस एडवांस्ड PRP इंजेक्शन थेरेपी की सुविधा सिर्फ मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों जैसे अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई में ही उपलब्ध थी और इसके लिए पेशेंट को करीब 25 से 50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब कोटा में हमारे सेंटर के थ्रू राजस्थान और मध्य प्रदेश के काफ़ी मरीज इस एडवांस्ड PRP इंजेक्शन थेरेपी का फ़ायदा सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये के खर्च में उठा रहे हैं। आई होप आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको काफी लाभ हुआ होगा। मिलते हैं अगले हेल्थ और मोटिवेशनल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।